बनाने के लिए इसमें 27 चैन बुन ली है। देखिए इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो हम सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं इसे पलटूंगी और सेकंड रो बुनेंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशे से इस तरह बुन लीजिए। अब देखिए हम इसमें 14 चैन बुननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसके बाद देखिए 3 चैन स्किप करेंगे, 1, 2, 3 और ये चौथे में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर से देखिए 3 स्किप करेंगे, 1, 2, 3 और 4 में बुन देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसे पलटेंगे और थर्ड रो बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 चैन बनेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स अब आपने देखिए इस तरह से करना है इसको, ये देखिए इस तरह से, और इसके बीच में आपने सिंगल क्रोशिया से 3 टाइम बुनना है। देखिए मैंने 3 टाइम बुन दिया। अब एक चैन बुनेंगे, फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसको इस तरह से करेंगे, फिर इसके बीच में बुनेंगे इस तरह से, 1, 2, 3 फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे, फिर इसके बाद देखिए इसको इस तरह करना है आपने। देखिए इस तरह से एक चैन बुनने के बाद इसमें 3 बार बुनेंगे। तो इस तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट पर आ गए हैं। देखिए फिर मैंने एक चैन बुन ली है, 1 और 2, 2 बन लेंगे और देखिए इसका किनारा बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद फ्रेंड्स एक चैन बुनी है और इसके बाद आपने हर चैन में सिंगल क्रोशिया से ही बुनना है। तो आप इस रो में पूरी रो आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ही बुननी है। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया से। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया जैसे फर्स्ट रो बुनी थी। अब हम इसके ऊपर फिर से सेकंड रो की तरह ही बुनेंगे। पहले आप सिंगल क्रोशिया से बुन लीजिए एक बार। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देखिए 14 चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए 1, 2, 3 स्किप करके यहाँ इस तरह से इसको बुनेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने 14 चैन बुन ली है। फिर से 1, 2, 3 स्किप करके 4 में हम बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह जैसे ये मैंने फर्स्ट और सेकंड रो बुनी थी इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है। मैं रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो गया है। बस आपने फर्स्ट और सेकंड रो इस पर रिपीट करना है और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।